अब पूजा के लिए लाई गई स्वर्ण पादुका मंदिर में अग्नि स्थानापन पर कार्य पूरा हुआ है और यज्ञ वेदी में 22 जनवरी तक प्रज्वलित रहेगी ये अग्नि। हालांकि आज ही अखंड ज्योति भी स्थापित किए जाने को लेकर जानकारी मिली है। प्रीति हमारी सहयोगी इस वक्त लखनऊ में हनुमान सेतु से हमें ज्वाइन कर रही हैं और हनुमान सेतु उसकी तो खासियत है ही, दूर दूर से लोग यहां भी दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन प्रीति लोगों के बीच आप मौजूद हैं, लोगों ने आज श्री राम का ये स्वरूप देखा, क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय में लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर राम का एक अनोखा ही यहाँ पर रूप है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये पूरे मंदिर में यहाँ पर लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। रामचरितमानस का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। लोग जो हैं वो कल जब अयोध्या में रामलला की जब मूर्ति वहाँ पर मंदिर पहुँची तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको लेकर उत्साहित हैं और पूरे मंदिर को दुल्हन के जैसे सजा दिया गया है। लोग जो है इतनी जो मूर्ति वहाँ पर लगाई गई उसके बाद यहाँ पर लोग जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें जो लोग यहाँ पर रामचरितमानस का जो पाठ कर रहे हैं उसमें छोटे छोटे से बच्चे भी हैं और ये काफी खुश हैं। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं कि ये कितने खुश हैं इन सब चीजों को लेकर। ये बताइए, रामलला की मूर्ति जो है अयोध्या में देखी आपने? रामलला की मूर्ति जी हाँ, आज हम लोगों ने पेपर में देखी, उसमें स्थापित हो चुके हैं वहाँ पे राम जी। हम लोग बहुत उत्साहित भी हैं कि कितना जल्दी, और 22 तारीख का इंतजार बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। हम लोग के मन में बहुत उत्साह है कितना जल्दी भगवान के भव्य दर्शन हो और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्थापित होने जा रहे हैं अयोध्या में। इसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से तैयार भी हैं और उत्साहित भी हैं। इतने उत्साहित हैं, आपने रामलला की मूर्ति देखी आपने वहाँ पे? हमने रामलला की मूर्ति देखी, इतने उत्साहित है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते आपसे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है उसको देख के और इतना अच्छा लग रहा है कि राम मंदिर बन जा रहा है, उसके लिए हम बहुत खुश हैं। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं जो यहाँ पर पाठ कर रहे हैं रामचरितमानस का। ये लोग सुबह से यहाँ पर मौजूद हो, यहाँ पे पाठ किया जा रहा है, पूरे मंदिर को सजाया गया है। ये बताइए, रामलला की मूर्ति आपने देखी होगी अयोध्या में, जो कितने उत्साहित है उस मूर्ति को देखकर आप लोग, और अब इंतजार है 22 तारीख का। हम लोग तो देखिए, जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से हम लोग ये राम मंदिर की देखने की वो थी, आशा थी। आज हम लोग योगी जी की वजह से देख पा रहे हैं, बहुत उत्साह है। 22 तारीख का इस महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनने के लिए सभी उत्सुक हैं और राम मंदिर परिसर में किस तरीके से अब हवन पूजन हो रहा है उसको लेकर भी बड़ी खबर आपको बता दें। सुबह 8:55 पर हवन शुरू हुआ, विशेष यज्ञशाला में हवन पूजन हुआ, वैदिक विधि विधान के मुताबिक गणेश पूजा हुई, साथ ही हवन कुंड से मंदिर के 9 कोनों पर अग्नि को प्रज्वलित किया गया। तो राम मंदिर में आज अनुष्ठान कराए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी आपके सामने। आज के विशेष अनुष्ठान को देखते हुए गणपति पूजन किया गया है, वेद पारायण हुआ है, देव प्रबोधन, साथ ही औषाधिवास के साथ साथ केसराधिवास और घृताधिवास और कुंड पूजन हुआ है। आपको बता दें, पंच भूसंस्कार, गृह स्थापन और असंख्यात रुद्रपीठ स्थापन के साथ साथ प्रधान देवता स्थापन और राजा राम श्री राम यंत्र महापूजा भी की गई है। इसी के साथ साथ वारुण मंडल की और योगिनी मंडल स्थल स्थापन और साथ ही क्षेत्रपाल मंडलस स्थापन और गृह होम के साथ साथ स्थापित देव होम और प्रसाद वास्तु शांति की पूजा की गई है और धान्य दिवस यानी आज जिस तरीके से विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है